अस्सलाम वालेकुम डियर एसएलएस स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बच्चों। टुडे इज़ अवर लेक्चर नंबर 35 ऑफ काउंटडाउन। बच्चों आज हम बुक पे एक्सरसाइज 4 का करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 फ्रॉम बुक पेज नंबर 130 एंड 131। सब बच्चे अपनी बुक्स ओपन करेंगे। जी डियर स्टूडेंट्स, पेज नंबर 130 एंड 131 पे आज की डेट 24 जुलाई फ्राइडे आप राइट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इज चूज़ द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। बच्चों आपको कुछ यहाँ पर करेंसी नोट्स जो हैं वो दिखाए गए हैं और आपको साथ में ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला नोट आपका 20 का है, फिर 50 का है, फिर 5 रुपीज़ का है। अब आपने नोट को यानी कि पैसों को ऐड करना है। 50 रुपीज़ एंड 20 रुपीज़ हो जाएंगे 70, और उसमें जब 5 रुपीज़ मज़ीद 10 हो जाएंगे तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 75 रुपीज़। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया 75 रुपीज़। बी इज 319 रुपीज़ हैं, 319.5 पैसा कैन बी रिटन एज। जी बच्चों मैं आपको बता चुकी हूँ कि पॉइंट से पहले का जो फिगर डिजिट्स होते हैं वो रुपीज़ को शो कर रहे होते हैं, जबकि पॉइंट के बाद जो हैं वो पैसाज को शो करते हैं। तो अब ये 505 है, यानी कि 5 पैसा है। हमारा आंसर होगा 319 रुपीज़ एंड 5 पैसा। 50 पैसा नहीं है, 50 के लिए आपके पास सिंगल 5 होगा या फिर उसके एंड पे 0 होगा, यहाँ पर ये 5 पैसा होगा। सी इज़ हाउ मैनी 20 रुपीज़ नोट्स मेक 500। इसके लिए आप क्या करेंगे कि आप 20 रुपीज़ के कितने नोट हमारे पास हों, तो हम 20 रुपीज़ के हमारे पास अगर 5 नोट हों तो हमारे बनते हैं 100 रुपीज़। ठीक है बच्चों, तो हमने 500 करने हैं तो 5 5s कितने हो जाएंगे 25। तो 100 के लिए 20 के 5 नोट्स होने चाहिए, और जब हम 500 के फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे 5 5s 25, आंसर विल बी 25। हमारे पास 25 नोट्स 20 वाले होंगे तो हमारे पास पैसे 500 हो जाएंगे। डी ही है रुपीज़ 216.0, यानी कि आपके पास पैसा या नहीं है, रुपीज़ 10 रुपीज़ एंड 9 पैसा इज़ इक्वल टू। ठीक है, अब पैसों में पैसे प्लस होंगे और हम रुपीज़ में रुपीज़ जो हैं वो प्लस करेंगे, तो हमारे पास 9 पैसा, 216 में 10 प्लस होंगे तो 226 और 9 पैसा, तो आंसर विल बी रुपीज़ 226 एंड 9 पैसा। ये हमारा ऑप्शन है जी, 90.0 डिवाइडेड बाय 10। जब 92 को हम डिवाइड करेंगे 10 पर तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा जी बच्चों, इसका सॉल्यूशन जो है आप जो है देखेंगे कॉपी पर। जी तो बच्चों 92 डिवाइडेड बाय 10, 10 9s 90 जी, अब जब माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 रिमाइंडर हो जाएगा। अब 2 अब नंबर लेस हो रहा है तो हमने पॉइंट ऐड करने के बाद हम 2 जीरोज़ जो हैं वो ऐड करेंगे, 10 नीचे ट्रांसफ़र करेंगे, 10 2s 20 एंड 0 10 0s 0, तो आंसर विल बी 9.20, यानी कि 9 रुपीज़ एंड 20 पैसा। सो डियर स्टूडेंट्स, आवर आंसर विल बी 9 रुपीज़ एंड 20 पैसा। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4, कंप्लीट दिस टेबल। लॉन्ग फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म में आपको दिए गए हैं, आपने कुछ स्टेटमेंट्स की लॉन्ग फॉर्म राइट करनी है और कुछ की आपने शॉर्ट फॉर्म राइट करनी है। पहले मैं आपको रुपीज़ 95 एंड 45 पैसा, तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे राइट करेंगे, रुपीज़ 95.45। पॉइंट से पहले आपके रुपीज़ शो हो रहे हैं और पॉइंट के बाद आपके पैसा शो हो रहे हैं। नेक्स्ट है जी, आपको शॉर्ट फॉर्म दी गई है, रुपीज़ है 100 एंड पैसा 20 है, तो रुपीज़ 108 एंड पैसा 20 पैसा। रुपीज़ 216 एंड 95 पैसा है तो आप रुपीज़ 216.95। ठीक है, इसी तरह रुपीज़ 312.60 है तो रुपीज़ आपके पास हो जाएंगे 312 और पैसा हो जाएंगे 60। इसी तरह बच्चों आपके पास 9.5 90.85 है तो पॉइंट से पहले रुपीज़ और पॉइंट के बाद पैसा, रुपीज़ हो जाएंगे 590 एंड 85 पैसा। रुपीज़ हैं जी 1010 पैसा, आप इसको पॉइंट में राइट करेंगे शॉर्ट फॉर्म में, रुपीज़ 1000.10, पॉइंट के बाद पैसा शो हो रहा है। 982 रुपीज़ एंड 35 पैसा, 982.35। नेक्स्ट है जी रुपीज़ 412.05, रुपीज़ हैं 412 एंड 05 पैसा। नेक्स्ट है जी रुपीज़ 630 एंड 5 पैसा। अब आपने क्योंकि ये 5 पैसा है तो आप ये 05 बच्चों राइट करेंगे, सिर्फ 5 राइट नहीं करेंगे, आपने 630.05, क्योंकि अगर सिंगल आप 5 राइट करेंगे तो वो 50 पैसा हो जाता है, तो इसलिए आपने
फाइव पैसा है तो आपने 05 जो है आपने राइट करना है। नेक्स्ट है जी 86 रुपीज़ 86.75 रुपीज़ हो जाएंगे 86.75। नेक्स्ट है जी 114.05 तो रुपीज़ हमारे पास 114 एंड पैसा 05। नेक्स्ट है जी हमारे पास रुपीज़ 1002 एंड 5 पैसा रुपीज़ 1002 एंड 0.05। ठीक है, जी तो बच्चों रुपीज़ 3019 एंड 15 पैसा 3019.19 816 एंड 80 पैसा हैं तो 816.80। इसी तरह 1096.25 रुपीज़ हो जाएंगे 1096 एंड 25 पैसा। रुपीज़ हैं जी आपके पास 488 एंड 0, तो आप क्योंकि पैसा यहाँ पर ज़ीरो हो रहे हैं तो इसलिए पॉइंट आप ज़ीरो ऐड करेंगे पैसा के लिए। ₹643.0, ठीक है आपके पास पैसा यहाँ ज़ीरो हैं। इसी तरह 29.00 है तो इट्स मीन के पैसा हमारे पास ज़ीरो हो गए। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। कंप्लीट द टेबल, आपको कुछ करेंसी नोट्स जो हैं आपको दिए गए हैं और आपने इनको एडिशन करना है और फिर आपने उनको राइट करना है अमाउंट को कि ये कितनी है। 20 रुपीज़ का नोट है और एक 1 रुपी का नोट है और साथ में 25 का एक कॉइन है, सिक्का है। अच्छा जी 20 में जब 1 प्लस होंगे तो 21 पॉइंट, अब ये पैसा क्योंकि शो हो रहे हैं सिक्का तो इसलिए पॉइंट 25। आंसर विल बी 21 रुपीज़ एंड 25 पैसा। ₹21.25। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी 10 रुपी का नोट है और एक 50 पैसा है तो आपका आंसर होगा 10 रुपीज़ एंड 50 पैसा। ठीक है, तो आप इसको राइट कैसे करेंगे, ₹10.50। 100 रुपी का नोट है, एक हमारे पास 2 रुपी का कॉइन है और एक 1 का कॉइन है, 100 रुपी 102 एंड 103। आंसर 103 रुपीज़ एंड 0 पैसा। अब इसको हम राइट करेंगे जब ₹103.00 पैसा जो हैं वो हम ज़ीरो राइट करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारे पास पैसा शो नहीं हो रहे हैं। तो बच्चा आपने आज करेंसी नोट को ऐड करना सीखा, इसी तरह आपके पास जो आपको पॉकेट मनी मिलती है आप उनको पैसों को भी आप इसी तरह ऐड करके अपनी टोटल अमाउंट जो है वो फाइंड कर सकते हैं। ये था आपका बुक वर्क, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।